हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम SSC फेज 9th के एग्जामिनेशन के लिए जो कि फरवरी 2022 में कंडक्ट होने जा रहा है, वो वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहले देख लेते हैं कि इडियम एंड फ्रेजेस होते क्या है। इडियम, इफ यू टॉक अबाउट इडियम, इट्स अ फ्रेज और एनी एक्सप्रेशन दैट टिपिकली रिप्रेजेंट नॉन लिटरल मीनिंग अटैच्ड टू द फ्रेज। ठीक है, तो इडियम क्या होता है कि ऐसा कोई फ्रेज होता है, ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि फिगरेटिव या नॉन लिटरल मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। इसमें आप देखो टाइम एंड अगेन, ठीक है। अब इसमें आप देखो टाइम का मतलब अलग है, टाइम का मतलब समय होता है, एंड का मतलब यहाँ पे एक कंजंक्शन है जो कि जोड़ रहा है, कंजंक्शन है, और यहाँ पे अगेन का मतलब होता है फिर या पुनः। ठीक है, तो ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जो भी वर्ड्स यूज करे गए हैं ये इनका अपना अलग मतलब होता है, बट वेन दे कम टूगेदर, दे आर यूज टूगेदर, तो वहां पे उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो फिगरेटिव मीनिंग या नॉन लिटरल मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करें इडियम्स और फ्रेजेस की, तो इडियम यही होता है, कोई फ्रेज या एक्सप्रेशन होता है जो कि क्या करता है, नॉन लिटरल मीनिंग अटैच जो है फ्रेज से उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉन लिटरल का मतलब कि जो यहाँ पे लेटर्स यूज किए गए हैं उनके अलावा जो दूसरी मीनिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कि जो लेटर्स यहाँ पे यूज किए गए, जो वर्ड्स यूज करे गए हैं उनका सेम मीनिंग, लिटरल मीनिंग वो रिप्रेजेंट करता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। यहाँ पे क्या पूछा गया है, गिवन इडियम और जो या फ्रेज है हमारा, एक्सप्रेशन है, उसका पूछा गया है हमें कि उसका मीनिंग क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, जो कि हमारे चारों ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट इडियम विच वी हैव इज टाइम एंड अगेन, ठीक है, इट मीन्स ऑफन और मेनी और ऑल ओकेजंस। ठीक है, वेरी ऑफन का मतलब होता है, ऑफन का मतलब होता है प्रायर। ठीक है, अगर कोई चीज टाइम एंड अगेन हो रही है तो इसका मतलब कि इट हैपेंस वेरी फ्रिक्वेंटली, वो बार बार हो रही है, वो प्राय हो रही है, इट जनरली अकर्स। ठीक है, तो टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, बार बार, है ना, बार बार। तो यहां पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन इज ऑलवेज, ऑप्शन टू इज ऑफन, ऑप्शन थ्री इज समटाइम्स, ऑप्शन फोर इज रेयरली। तो ऑलवेज का मतलब सदैव, हमेशा, ठीक है। ऑफन का मतलब होता है जो कि प्राय हो, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, बार बार जो अकर हो उसको हम कहते हैं ऑफन कहते हैं इंग्लिश में, प्राय इसका हिंदी मतलब होता है। समटाइम्स का मतलब होता है कुछ बार, ठीक है, कुछ बार, कई बार, ठीक है, कई बार, कई बार। यहां पे रेयरली का मतलब होता है कि मुश्किल से, ठीक है, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। कोई चीज अगर रेयरली हो रही है तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंट नहीं है। तो यहाँ पे टाइम एंड अगेन का मतलब होता है ऑफन और ऑन मेनी ओकेजन, जो प्राय हो, बार बार हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो, जिसकी बारंबारता जिसको हम बोलते हैं, जो बार बार रिपीट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो टाइम एंड अगेन हो रही है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन टू देखो, विच इज ऑफन, इट ऑल्सो मीन्स समथिंग विच अकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली, जो प्राय हो, बार बार हो, तो उसको भी हम कहते हैं ऑफन। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो ऑप्शन टू है वो हमारा करेक्ट मीनिंग होगा गिवन इडियम का, टाइम एंड अगेन का। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। द गिवन इडियम इज आयरन फीस्ट, ठीक है। फीस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी होता है, ठीक है, और आयरन का मतलब क्या होता है, आयरन का मतलब होता है लोहा या जंजीर, ठीक है। इन दोनों का अगर आप अलग मतलब देखोगे, तो अलग अलग अगर देखोगे इनका मतलब, तो बिल्कुल ये बोथ आर अनरिलेटेड, इसमें कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों में, बट वेन दे आर यूज टूगेदर, जब वो साथ में यूज किए जाते हैं ये दोनों वर्ड्स, तो इनका जो मतलब निकल करके आता है एज अ इडियम, वो होता है ट्रीट पीपल इन अ सीवियर मैनर और स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो आयरन फिस्ट का मतलब होता है कि सख्ती से,
सख्ती से, ठीक है। तो किसी चीज से इफ यू आर डीलिंग विथ समवन और समथिंग विथ आयरन फिस्ट, अगर आप आयरन फिस्ट के साथ किसी से डील कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उससे सख्ती से निपट रहे हो। यू आर ट्रीटिंग पीपल, यू आर डीलिंग विथ समथिंग इन अ सीवियर मैनर और वेरी स्ट्रिक्टली। तो यहां पे ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन 1 है स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सख्ती से, ठीक है। लीनियंटली का मतलब होता है कि आप यहां बिल्कुल लीनियंट हो, ठीक है, बिल्कुल उदार प्रवृत्ति के हो, बिल्कुल उदारता से डील कर रहे हो, सख्ती से डील नहीं कर रहे हो। सॉफ्टली का भी मतलब होता है नरमी के साथ। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं वेवार्ड। वेवार्ड का मतलब होता है कि समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल और प्रेडिक्ट, ठीक है। तो वेवार्ड का मतलब होता है कि जो कि जिससे डील करना क्या है मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद इट। तो यहाँ पे आयरन फिस्ट का मतलब होता है सख्ती से, ट्रीट पीपल इन अ सीवियर मैनर और स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 देखो, विच इज स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का भी मतलब होता है सख्ती से, कठोरता के साथ। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो आयरन फिस्ट हमारा इडियम है उसका जो करेक्ट मीनिंग है, अप्रोप्रिएट मीनिंग है, वो हमारा स्ट्रिक्टली होगा। तो हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली को करेक्ट मार्क करेंगे। ये चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। द गिवन इडियम इज पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिर आप देखो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इडियम होता क्या है, पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पे कैट्स डॉग्स पोर्ड भी यूज किया गया है, यहाँ पे एंड है, कंजंक्शन भी यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। डॉग्स का मतलब होगा कि कुत्ते। एंड का मतलब और, पोर का मतलब क्या होता है, उड़ेलना है ना किसी चीज को। तो यहाँ पे इन सबके जो भी वर्ड्स यूज करे गए हैं, इन सबके अलग अलग मतलब हैं अपने अपने। बट वेन दे आर यूज टूगेदर, जब वो एक साथ यूज करे जाते हैं, वेन दे आर पुट टूगेदर, जब वो एक साथ रखे जाते हैं, दे रिप्रेजेंट समथिंग विच इज फिगरेटिव, विच इज नॉन लिटरल मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन हमारा पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स का, यहाँ पर कुत्तों और बिल्ली से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पे कुत्तों और बिल्लियों का कोई रिलेशन नहीं है इस इडियम के फ्रेज का, जो इस ये जो इडियम है फ्रेज है इसकी मीनिंग से। बस यहाँ पे इसका जो मतलब होगा वो मतलब होगा रेनिंग वेरी हैवीली, ठीक है, भारी वर्षा है ना। When it's raining, it's pouring cats and dogs, you can say that it's raining very heavily, right? I cannot go out, मैं बाहर नहीं जा सकता। Why? Because it's pouring cats and dogs, it means because it's raining very heavily, भारी बारिश हो रही है, भारी वर्षा हो रही है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है रेन्ड हैविली, मतलब भारी वर्षा होना, ठीक है, भारी वर्षा होना। रेन लाइटली, बिल्कुल हल्की फुल्की वो होना, वर्षा होना। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, विच इज डेजल्ट। डेजल्ट का मतलब होता है आपका कि तेज रोशनी पैदा करना या चौंधिया देना, ठीक है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, विच इज हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म का मतलब क्या होता है, ओला पड़ना, ठीक है, ओला पड़ना। हेल का मतलब क्या होता है, हेल का मतलब होता है ओला। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओला पड़ना, ठीक है, ओले पड़ना। तो यहाँ पे पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होगा, रेनिंग वेरी हैविली। तो अगर हम देखें ऑप्शन हमारा 1, विच इज रेन्ड हैविली, मतलब भारी वर्षा हुई है, इट हैज पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 को, रेन्ड हैविली को क्या करेंगे, करेक्ट मार्क करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। द गिवन इडियम इज एबव बोर्ड, इट मीन्स लीगल एंड ऑनेस्ट, ठीक है। तो एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, ईमानदार। जो ईमानदार होते हैं उनको आप क्या कह सकते हो, एबव बोर्ड कह सकते हो। यू कैन यूज एबव बोर्ड फॉर देम, दोज हु आर ऑनेस्ट, हु आर लॉयल, हु आर लीगल, ठीक है। तो उनको हम कैसा कह सकते हैं, एबव बोर्ड, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, ठीक है। रूड का मतलब होता है समवन हु इज रफ, हु हैज लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स,
यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑप्शन फोर देखे चैरिटेबल, चैरिटी का मतलब क्या होता है दान, तो चैरिटेबल का मतलब क्या होता है जो दानशील हो, ठीक है, जो दानी हो। तो यहाँ पे हम देखे अपना एब बोर्ड का, अगर हम देखे कि करेक्ट मीनिंग क्या होगा तो इट मीन्स लीगल एंड ऑनेस्ट, बिल्कुल जो ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का हो, उसको हम एब बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री देखो विच इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का भी मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑनेस्ट को ही करेक्ट मार्क करेंगे क्योंकि ऑनेस्ट इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। गिवन इडियम इज फील ब्लू, इट मीन्स डिप्रेस्ड, ठीक है। फील ब्लू का मतलब इफ यू आर फीलिंग ब्लू इट मीन्स यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, ठीक है। डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास, डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास। लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस। ऑप्शन वन इज हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश, है ना। अगर आप हैप्पी हो यू आर डिलाइटेड, यू आर मतलब आप खुश हो, ठीक है। ऑप्शन टू देख लेते हैं ग्लेफुल, ग्लेफुल का मतलब क्या होता है, ग्लेफुल का भी मतलब होता है उल्लास, उल्लास में रहना, ठीक है, उल्लास में रहना या खुश रहना, ठीक है, उल्लास में रहना ग्लेफुल का मतलब होता है। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं ट्रबल्ड, ट्रबल्ड का मतलब क्या होता है, ट्रबल्ड का मतलब होता है आपका मुसीबत में होना, ठीक है, मुसीबत में होना, ठीक है, ट्रबल्ड का मतलब होता है मुसीबत में होना, ठीक है। ऑप्शन फोर देख लेते हैं ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, विच इज ओपेक, विच इज नॉट ब्राइट, इज ऑल्सो डिप्रेसिंग एट द सेम टाइम, जो कि डिप्रेसिंग हो, है ना, जो आपको उदास कर दे, दुखी कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूमी कहते हैं। तो ग्लूमी का भी मतलब होता है बिल्कुल उदास, निराशाजनक, उदास निराशाजनक। तो यहाँ पे पूछा गया है फील ब्लू का बताओ कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा मीनिंग जो है होगा इन चारों गिवन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे फील ब्लू का मतलब होता है डिप्रेस्ड, फीलिंग डिप्रेस्ड, उदास महसूस करना। ऑप्शन फोर आप देखो ग्लूमी, ग्लूमी का भी मतलब होता है समथिंग विच इज डिप्रेसिंग, विच इज डिसअपॉइंटिंग, तो उसका भी मतलब होता है उदास या जो निराशाजनक हो। तो हम यहाँ पे ऑप्शन फोर को करेक्ट मार्क करेंगे, ग्लूमी वुड बी द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फील ब्लू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। द गिवन इडियम हियर इज लाइव वायर, इट मीन्स अ पर्सन हु इज लाइवली एंड फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लाइव वायर हम उसको कहते हैं, किसी पर्सन को कहेंगे जो कि क्या है, वो जीवंत है, ठीक है, जीवंत है। हु इज वेरी एक्टिव, हु इज वेरी एनर्जेटिक, हु इज फुल ऑफ एनर्जी, जो कि ऊर्जा से जो भरा हो, जो ज्यादा ऊर्जावान हो, जो ज्यादा जीवंत हो, उसको हम क्या कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं। तो यहाँ पे लाइव वायर का मतलब होगा ऊर्जावान, ठीक है, जो बिल्कुल ऊर्जावान हो, जो बिल्कुल मोटिवेटेड हो, एनर्जेटिक हो, उसको हम कहते हैं लाइव वायर। ऑप्शंस देख लेते हैं लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है, आपको पता है लेजी का मतलब होता है आलसी, हु इज नॉट विलिंग टू डू एनी एक्टिविटी, उसको हम कहते हैं आलसी। ऑप्शन टू देख लेते हैं डेंजरस, समथिंग विच कॉजेस डेंजर, जो खतरा पैदा करे, तो डेंजरस का मतलब होता है जो खतरा पैदा करे, ठीक है। और नॉटी का मतलब होता है शरारती, शरारती, जो शरारत करता हो उसको हम नॉटी बोलते हैं। ऑप्शन फोर हमारा है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा से भरा हो, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी, तो जो ऊर्जावान हो उसको हम कहते हैं एनर्जेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है लाइव वायर का जो हमारा एडियम है उसका मीनिंग क्या होगा इन चारों में से, चारों ऑप्शंस में से। तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया आपको, लाइव वायर मीन्स यू कैन रेफर अ पर्सन, यू कैन कॉल अ पर्सन एज लाइव वायर हु इज वेरी एक्टिव, राइट। इफ अ पर्सन इज वेरी एक्टिव, पर्सन इज वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी एनर्जेटिक, सो यू कैन कॉल द पर्सन लाइव वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर हमारा एनर्जेटिक है,
तो हम यहाँ पे एनर्जेटिक को करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज इट हैज द सिमिलर मीनिंग एज द गिवन idiom हैज लाइव वायर हैज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन idiom और फ्रेज. द गिवन idiom इज थिक एंड थिन. थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज, ठीक है, मुसीबतों के बावजूद भी, परेशानियों के बावजूद भी, है ना, आप इफ यू आर एक्टिव, यू आर एंगेज्ड इन समथिंग डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स और डिफिकल्टीज, तो हम उसको कहते हैं थिक एंड थिन, है ना. इफ यू आर परसिस्टिंग विद योर एम्स, योर गोल्स दैट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, तो वहां पे क्या होगा, एंड डिस्पाइट हैविंग सो मेनी डिफिकल्टीज, सो मेनी हिंडरेंसेज, सो मेनी ऑब्स्टेकल्स, तो काफी ज्यादा परेशानियों के बावजूद भी, डिफिकल्टीज के बावजूद भी, अगर आप किसी चीज पे परसिस्ट कर रहे हो, है ना, किसी चीज को आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो वी कैन से दैट यू आर कंटिन्यूइंग, यू आर फॉलोइंग योर पैशन और वट एवर यू हैव डिसाइडेड, यू आर चेसिंग योर ड्रीम्स, योर एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, डिस्पाइट बीइंग थिक एंड थिन, ठीक है, डिस्पाइट जो लाइफ है आपकी वो थिक एंड थिन है, बट यू आर परसिस्टिंग, तो हम थिक एंड थिन का मतलब ये होता है कि इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज. तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं टू आवर प्रिंसिपल्स, ठीक है. प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है आपका कि यहाँ पे सिद्धांत. प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है. टू आवर प्रिंसिपल्स, टू एम्प्लॉयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स. एम्प्लॉयर्स का मतलब क्या होता है? जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे. और सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? जो आपसे नीचे हो, जो आपके सबऑर्डिनेट हो, जो आपसे हायरार्की में, जो आपसे निचले पायदान पे हो, उसको हम उनको कहते हैं सबऑर्डिनेट्स. ऑप्शन थ्री देख लेते हैं. ऑप्शन थ्री है इन मैरिड लाइफ, ठीक है. मैरिड लाइफ का मतलब क्या होता है? वैवाहिक जीवन, ठीक है, वैवाहिक जीवन. वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन में इन मैरिड लाइफ का मतलब होगा. ऑप्शन फोर देख लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, है ना, परेशानियों के बावजूद, परेशानियों के, कठिनाइयों के बावजूद, बावजूद हम क्या कहते हैं? स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज. तो यहाँ पे थिक एंड थिन का मतलब भी होता है इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज और ट्रबल्स, तो हम यहाँ पे ऑप्शन फोर को करेक्ट मार्क करेंगे, ठीक है. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन idiom और फ्रेज. द गिवन idiom इज विथ माइट एंड मैन, ठीक है. माइट का मतलब क्या होता है? शक्ति होती है, पावर होता है. विथ माइट एंड मैन, इट मीन्स विथ ऑल पावर एंड फोर्स, है ना, पूरी शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ, ठीक है, विथ माइट एंड मैन. So India should crush the terrorism in any form, है ना, with might and main. India should, Indian armed forces should, what they should do? They should crush the insurgency in the northeastern India with might and main, with all power and force. आप एक और example ले सकते हो जो कि अभी current में चल रहा है कि we should counter China. We should defend our land from the Chinese aggression with might and main. हमें अपने पूरी शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ, हमें क्या करना चाहिए? Chinese जो aggression है उसको counter करना चाहिए. तो आप इस तरीके से इसको sentences में use कर सकते हो, ठीक है. Let's look at our options one by one. Option one is with full risks. Full risk का मतलब क्या होता है? Risk का मतलब क्या होता है? जोखिम होता है, खतरा होता है, तो पूरे जोखिम के साथ, ठीक है, पूरे जोखिम के साथ, विथ फुल रिस्क, ठीक है, पूरे जोखिम के साथ, ठीक है, पूरे जोखिम के साथ. ऑप्शन टू देख लेते हैं, विथ फुल फोर्स, है ना, पूरी शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ, ठीक है, पूरी शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ. ऑप्शन थ्री, हैविंग फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है, पूरा विश्वास होना, हैविंग फुल कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ, ठीक है, पूरा विश्वास होना. ऑप्शन फोर देख लेते हैं, विथ फुल ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद, है ना,
आशीर्वाद के साथ, ठीक है, बिल्कुल फुल आशीर्वाद है, आशीर्वाद के साथ, पूरे आशीर्वाद के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो एडियम है वो क्या है, विथ माइट एंड मेन, तो इसका मतलब क्या होता है, विथ ऑल पावर एंड फोर्स, पूरी शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ। तो आप यहाँ पे ऑप्शन टू देखो, विच इज विथ फुल फोर्स, तो यहाँ पे पूरी शक्ति के साथ, तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, हम ऑप्शन टू को भी करेक्ट मार्क करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। द गिवन इडियम इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, इट मीन्स इन कंप्लीट ऑर्डर, राइट? इफ समथिंग इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, इट मीन्स इट इज अरेंज्ड इन अ वेरी ऑर्डरली फैशन, वो बिल्कुल ऑर्डर में है, परफेक्ट ऑर्डर में है, कंप्लीट ऑर्डर में है, इफ समथिंग इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन इज ऑर्डरली प्रिपरेशन ऑफ एप्पल पाई, यहाँ पे ऑप्शन टू देख लेते हैं, इन परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है, बिल्कुल एक क्रम में होना, परफेक्ट ऑर्डर में होना, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग इज इन परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, ऑर्डरिंग फॉर एप्पल पाई, एप्पल पाई के लिए ऑर्डर करना। ऑप्शन फोर हमारा है अरेंजिंग एप्पल्स नीटली, बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल सफाई के साथ, है ना, क्या करना, एप्पल्स को अरेंज करना। ठीक है, तो इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन कंप्लीट ऑर्डर, जो कि बिल्कुल क्रम में हो, बिल्कुल मतलब अस्त व्यस्त ना हो, बिल्कुल अरेंज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, कंप्लीट ऑर्डर में हो सब, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन टू देखो, विच इज इन परफेक्ट ऑर्डर, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, कंप्लीट ऑर्डर में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन टू को करेक्ट मार्क करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। द गिवन इडियम इज अ क्लोज्ड बुक, ठीक है, इट मीन्स समथिंग यू नो नथिंग अबाउट, ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो वो चीज आपके लिए कैसी है, इट्स लाइक अ क्लोज्ड बुक। ठीक है, तो वो बिल्कुल क्लोज्ड बुक की तरह है, एक बंद किताब की तरह है, अबाउट विच यू नो नथिंग, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, तो उसको आप अगर बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं जानते, तो आप क्या कहोगे कि द इंसिडेंट और द पर्सन इज लाइक अ क्लोज्ड बुक फॉर मी, मेरे लिए वो एक पर्सन जो है, वो इंसिडेंट जो है, वो इवेंट जो है, वो कैसा है, इट्स लाइक अ क्लोज्ड बुक, एक बंद किताब की तरह है, अबाउट विच आई नो नथिंग, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन वन है एन अनओपेंड बुक, मतलब जो किताब है खुली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन टू अ कवर्ड बुक, जो बिल्कुल कवर्ड बुक है, एक जिसको कवर किया गया है, उसको ढक के रखा गया है। ऑप्शन थ्री अ मिस्ट्री, ठीक है। ऑप्शन फोर हमारा है अ मिस्टीरियस बुक, ठीक है। तो मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मिस्ट्री का मतलब आपका होता है कि समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट टू नो अबाउट। ठीक है, तो मिस्ट्री का मतलब होता है कि समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट टू नो अबाउट, तो बिल्कुल जो रहस्यमयी हो। ठीक है, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा है। तो यहाँ पे हम मिस्टीरियस बुक का मतलब क्या होगा, एक रहस्यमयी किताब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लोज्ड बुक का मतलब देखें, तो मैंने आपको पहले बताया कि समथिंग यू नो नथिंग अबाउट, ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो उसको हम कैसा कहते हैं, क्लोज्ड बुक कहते हैं, अ क्लोज्ड बुक। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन थ्री अ मिस्ट्री, जो कि बिल्कुल रहस्य है, जिसपे से अभी पर्दा नहीं उठा है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जो बिल्कुल अभी भी आपके लिए रहस्य है, यू नो नथिंग अबाउट दैट, तो वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मिस्ट्री कहते हैं, उसको हम रहस्य कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा अ क्लोज्ड बुक का, वो हमारा मिस्ट्री ही होगा, अ मिस्ट्री ही होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन थ्री को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।